दी, जोर से बोलो जय माता दी। पर मंदिर की सजावट काफ़ी ही अच्छे से तरीके से हुई है और मंदिर भी काफ़ी भव्य लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर हो रही है ये माता रानी की भोग की तैयारी, तो सब्जी काट रही है पूनम दी और माँ। तो ये है हमारा प्रसाद नवरात्रि का, ये है खिचड़ी, सब्जी, दाल और ये है हलवा, नाइट का कुछ इस तरह के का व्यू है, आप लाइट्स देख सकते हैं, काफी अच्छी लाइट सजी है यहाँ पर। माता दी है एवरीवन, तो कैसे आप सब। तो आज है नवमी, तो सबसे पहले आप सभी को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्रि। तो अभी हम जा रहे तैयारी करने, क्योंकि आज हमारे यहाँ कन्या पूजन है, तो हमें मतलब भोग बनाना पड़ेगा माता रानी के लिए। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कि हमारे यहाँ नवरात्रि कैसे की जाती है। आज की ब्लॉग काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मॉर्निंग का व्यू, काफ़ी लेट हो गया हमें, तो हम जाते हैं जल्दी से। जय माता दी। चूल्हे जलने की तैयारी हो रही है, सुबह का मौसम भी आज बहुत ही अच्छा हो रखा है और यहाँ पर फूल बहुत ही अच्छे खिले हैं। आज पूनम दी चटाई लगा दी, चटाई लग गया और सब्जी पूनम दी ने यहाँ पर रख दी। तो ये रहा सब्जी इतना सारा, तो इसे भी हमें काटना है, तो पहले हम फटाफट जल्दी जल्दी काट लेते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। ये पूनम दी ने सारा चाकू रख लिया है और सब कुछ रख लिया है और पपीता काट रही है, क्योंकि माता रानी का आज भोग बनेगा नवरात्रि में, बहुत सारे लोग भी आएंगे, इसीलिए हमने इतना सारा सब्जी लिया है। तो आज है नवरात्रि का नवमी, तो आज हमारे यहाँ कन्या पूजन होगी, इसीलिए और बहुत सारे लोग भी आते हैं हमारे यहाँ, इसलिए हमने इतना सारा सब्जी लिया है और बहुत सारा अभी खाना बनेगा, तो बहुत मज़ा आएगा आगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है इतनी सुबह। तो माँ यहाँ पर काट रही है, क्या काट रही है? ये बंदा गोभी है, आप लोग भी आइए हेल्प कीजिए हम लोग के साथ में। हाँ नवरात्रि चल रहा है यहाँ पर, हाँ नवरात्रि में तो हेल्प करना ही चाहिए। यहाँ पर धुल कर तैयार हो गया, इसमें बनेगी माता रानी की भोग, भी जल रहा है, जब जल जाएगा तो इसमें बनेगा खाना। बारिश भी हो गई है बट अभी सन दिख नहीं रही है, बहुत ही अच्छा ठंडा मौसम किया हुआ आज। यहाँ पर मंदिर की सजावट काफ़ी ही अच्छे से तरीके से हुई है और मंदिर भी काफ़ी भव्य लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर हो रही है ये माता रानी की भोग की तैयारी, तो सब्जी काट रही है पूनम दी और माँ। कट गया है और ये यहाँ पे ये सब्जी धुल गई है, तो यहाँ पे सब्जी धुल गई है और यहाँ पे बन रही है दाल। तो यहाँ पर माँ मिर्ची काट रही है और दी वहाँ पे टमाटर काट रही है और यहाँ पे बन रहा है हमारा खाना, यहाँ पे भी तेल गर्म हो रहा है और इसमें दाल बन रही है, की दाल बन रही है और अभी सब्जी की तैयारी हो रही है। सब्जी मैंने काट दिया है और अभी मैं बनाऊंगी सब्जी और यहाँ पे पापा मोबाइल देख रहे हैं। ये रहा हमारा मसाला और अब ये जाएगा तेल में, तेल गर्म हो चुकी है तो इसे हम डाल देते हैं।
यहाँ पर फूलन देना तड़का तैयार कर लिया है और इसमें हम दाल डालेंगे और ये अब जाएगी दाल में। तो दाल बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गई। वाव, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और मसाला भी बहुत ही अच्छा से भुन गया। बन गया टेस्टी दाल, बहुत ही अच्छे से छौंका लग गया इसमें, एकदम तड़का बनकर तैयार हो गया। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, तो आप क्या बनाने जा रही है? अब बनेगा खीर। तो पूनम दी दूध ले ली है, दूध गर्म होगा। हाँ, दूध चढ़ा दी। यहाँ पे बना रही है दाल, दी यहाँ पे दाल बना रही है, मतलब तड़का बन गया है ऑलमोस्ट। हाँ, तो दी ने बनाई है, दी तड़का बनाई है, बहुत ही अच्छा मसालेदार तड़का है ये। अभी सब्जी बन रहा है यहाँ पे, इधर आओ दिखा। तो अभी सब्जी दिखाते हैं। हाँ, तो यहाँ सब्जी बन रही है और यहाँ बन रही है खीर, सो टेस्टी। और इधर सब्जी। यहाँ पर पापा कन्या का पैर धो रहे हैं। आओ इधर, ए कहाँ जा रहे हो? ए माते, नहीं सुन, यहाँ बैठो। यहाँ पर पोड़े खाना जा रहा है, ये कन्या खाएंगे। यहाँ पर बाबू आ रही है कन्या बनकर। खराब पापा यहाँ पर बाबू का पैर धो लिए, अब बाबू अंदर जा रहे हैं। यहाँ एक क्यूट सी है। तो भोग तैयार हो गया, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या बना है। यहाँ पे बनी है सब्जी, मिक्स वेज, इसका अच्छा सब्जी। ये है मिक्स वेज जो बनकर तैयार हो गया है। दाल दिखाओ। हाँ, ये दाल है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है टेस्टी खीर। कन्या सब भोजन कर रहे हैं, कन्या पूजन हो रही है। हाँ, और यहाँ पर सब खड़े हैं। क्या नाम है बाबू? हाँ, मेरा साक्षी कुमार है। छोड़ो, तो साक्षी है यहाँ पर। पूना छोटो पर पानी लिया तो बेटा बोतल। आप अच्छा सुंदर सा खेल रही है, ये कलर अच्छा लगा, कलर से बहुत अच्छा लगा। यही स्पेशल है। आप आए, थोड़ा देर आप रुकते ना, पूजा सब उठे थे। पापा आशीर्वाद ले रहे हैं माता से। बहुत ही बिजी है, सब काम कर रहे हैं क्योंकि कन्या पूजन हो रहा है यहाँ पर। हाँ, सारे कन्या भोजन कर लिए हैं। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी।
फाइनली कन्या पूजन हो गई है और सभी यहाँ पे बिजी हैं, मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, सभी काम में लगे हैं। इतनी छोटी सी कन्या यहाँ पर खिचड़ी बना रही है। कन्या पूजन हो गई है और सभी मतलब कि प्रसाद खा लिए, अब हम भी जा रहे हैं खाने के लिए। बन गया तो ये है हमारा प्रसाद नवरात्रि का, ये है खिचड़ी, सब्जी, दाल और ये है हलवा और ये है खीर, पूड़ी और ये है हमारा नवरात्रि का प्रसाद। तो यहाँ रिंकी दी निकाल रही है सबका खाना, यहाँ पे माँ खा रही है। अभी शाम हो गई है तो हो रही है शाम की आरती, तो दिखाते हैं। तो नाइट का कुछ इस तरह का व्यू है, आप लाइट्स देख सकते हैं, काफी अच्छी लाइट्स सजी है यहाँ पर और ये ब्लू लाइट्स और ये सजावट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। और यह माता का दिया जल रहा है और इधर हो रही आरती। तो माँ पापा यहाँ पर, माँ पापा आरती कर रहे हैं। सजावट बहुत ही अच्छी हुई है। सो आई होप आप लोगों को ये नवरात्रि ब्लॉग पसंद आई होगी, तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। बाय।